आप कहाँ से हैं और क्या बोलना चाहेंगे, एक्सपीरियंस 20 दिन का बताइए। मैं उदगीर से हूँ, महाराष्ट्र से जी। अभी 20 दिन से यहाँ पे अलहमदा बहुत ज़बरदस्त काम हुआ सर। एक तो हम जो इलाके में थे हम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, मगर यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि अपन कितने पानी में जो है सो मैं सच बता रही हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे हमको एक तो नहीं आता बोल के ऐसा मतलब मोटिवेट हमेशा मोटिवेट करते रहे आप लोग, आपकी पूरी टीम जो है सो। और उसमें अभी बहुत सारी चीज़ों में इतना नॉलेज हुआ। और एक चीज़ ये समझ में आई कि अपने फील्ड में बहुत मेहनत करना पड़ता, अपने फील्ड में बहुत मेहनत जो है अपने करना पड़ेगा जो है सो ऐसा है। और बहुत कुछ सीखे सर, बहुत कुछ सीखना बाकी है, फिर आपकी टीम से फिर जुड़ेंगे सर। बिल्कुल, और फिर हम सीखेंगे जो है ऐसा है। आप सबको पूरी टीम का जो है ना मैं धन्यवाद करता हूँ सर कि आप हमको जो बहुत अच्छे से समझाए, अच्छे से लेके चले और बार बार जो है हमको नर्वस नहीं होने दिए, मोटिवेट करते रहे। ये सबसे बड़ी बात है जो सो, कि ऐसा नहीं कि नियारा काम या कोई चीज़ में कमी हो रही तो उसको जो इग्नोर नहीं किए, बार बार आके समझाए, बताते गए जो सो, और हमारी कमजोरियों को जो बताते गए और कमियों को जो आगे लेके जो है सो समझाते गए सर। आप सबका जो पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स है, अगर से कमजोरी आपकी नहीं बताए तो आप वो सही समझ लेते, मैं सही हूँ समझ के चलते। बिल्कुल। तो बड़े जनों का घर में भी यही काम रहता है कि बच्चे में कोई कमी है तो उसको बताना जरूरी है। अगर उन्हें गलत काम कर रहा, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा, गाली गलौज कर रहा, तो बच्चे की साइड लिए तो बड़े होकर उन्हें फिर अपने साथ भी वही करता, तो उसको वहीं पे क्या करना पड़ता, अपने रोकना पड़ता, समझाना पड़ता। और अपना फील्ड ऐसा है बहुत जल्दी नेगेटिविटी आती है अपने, तो उसमें मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। मैं डे वन से बोलता हूँ और आगे भी जाके बोलता हूँ। और जैसे अभी इन्होंने बोले अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करना पड़ता, आप लोग ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये फील्ड नहीं, किसी भी फील्ड में आप काम करो, सब में दिल जान लगा के मेहनत करके अगर आप काम करें तो ही आगे जाते। कोई भी फील्ड में किसी के पास भी ऐसी जादू की छड़ी है नहीं कि घुमा दिए और अपने सा बना दिए। अभी तक आप 20 दिन आपके पीछे मेहनत करे तो यहाँ तक आए। अगर ऐसा कोई रहता, मेमोरी कार्ड रहता, जादू की छड़ी रहती तो पहले दिन ही बना देते, फिर इतनी मेहनत तो लगती नहीं किसी को भी। और मार्केट में बैठ के सालों से काम कर रहे, जैसे आप ही थे, बोलने में कोई बुरा तो नहीं है। 10 साल कितने साल से कर रहे थे आप? 14 साल से काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी ट्रेनिंग के लिए आना पड़ा। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग है के मार्केट में बैठे हैं, अपने आप को किंग समझ लेते, लेकिन वो जब सही कस्टमर का मोबाइल हाथ में आता तो अंदर से अपने खुद ही मालूम रहता कि अपने कितने बड़े किंग है, अपन क्या चेक कर पा रहे हैं कि रिबॉलिंग कर सक रहे, आईसी डाल नहीं सक रहे, खुद को मालूम रहता। दुनिया वालों को कितना भी झूठ बोल लो लेकिन दिल की तसल्ली को क्या है, झूठ बोल रहे अपन, हकीकत तो वो है जो अपन है अंदर एक्चुअल में। तो अभी सीखना पड़ता है हर एक को, अपनी फील्ड में कोई डेड एंड नहीं है। और उन्हें एक बहुत अच्छी बात बोले कि दोबारा हम वापस से जुड़ के रहते हैं आपके साथ, तो हमारे पास मौका है, उसके लिए आपको भी मेहनत करना है, हमारे साथ साथ चलना है। कहीं भी अपन जा रहे हैं और दो बच्चे बैठ जा रहे हैं और बहुत जने मेहनत करके आगे जा रहे हैं, फिर बाद में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। कहीं भी अपन सफर पे निकले तो जब तक सफर खत्म नहीं होता तो साथ में रहना है। अब वो सफर के दौरान अच्छा हो, बुरा हो, बारिश हो, आंधी आ जाए, तो भी क्या करना है, साथ में रहना है। तो अपना ये जो ग्रुप बना इसमें सबको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आई पूछेंगे, कुछ सॉल्व हो गया बताएंगे, और साथ में जुड़ के रहेंगे, हाय हेलो चलते ही रहना है इसमें। क्या खामोश बैठ जाते बाद लोग, महीना महीना दो दो तीन महीने छह महीने तक कुछ भी नहीं रहता उसमें, उसके बाद में याद करना पड़ता है ये कौन है भाई बोल के। अब आप जिससे डेली डेली बात करते कस्टमर से, डेली रेगुलर कस्टमर आ रहा तो याद हो जाता आपको, एक बार आके 2 साल के बाद में फिर आया कस्टमर, याद होता क्या इसमें? ठीक है, अखंड के लिए जोरदार क्लैप्स कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच।